हेलो यूट्यूब के दोस्तों, नवजोत होम शेफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की नई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो कोई चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आज की हमारी रेसिपी है दोस्तों, उससे पहले आई होप आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आइए रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए आज हमें चाहिए मैगी के 2 पैकेट। आज हम बनाएंगे मैगी, इंस्टेंट मैगी बनाएंगे दोस्तों। इसके लिए 1 पैकेट हमें मैगी का चाहिए और 1 पैकेट जिप्पी मैगी का चाहिए। 1 कटोरी फूल गोभी चाहिए, 1 कटोरी प्याज, 1 कटोरी हमें चाहिए टमाटोस, 1 कटोरी हमें चाहिए ग्रीन मटर, 1 ग्रीन चिली चाहिए हमें, थोड़े से सूखे मसाले चाहिए। हमने मैगी तो बहुत बार खाई होंगी, पर इस बार इस ट्रिक के साथ मैगी बनाकर देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होंगी दोस्तों। लीजिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे नए तरीके से मैगी। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा पानी उबला हुआ, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैगी को ऐसे ही बना लेते हैं, सब्जी वगैरह सभी कुछ डालकर मिक्स करके, पर इस बार हम मैगी को पहले उबालेंगे। ये लीजिए दोस्तों, इसे 2 मिनट के लिए हम ढककर उबालेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारी मैगी उबल कर रेडी है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। लीजिए, अब सब्जियों को हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। एक टिप जरूर देना चाहूँगी दोस्तों, इस समय में अगर आपके पास मैगी कम है तो आप वेजिटेबल ज़्यादा चीरिए और वेजिटेबल के साथ मैगी बनाइए, आपके परिवार भी खुश हो जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। लीजिए, अब हमारा ऑयल गर्म हो गया। अगर इस तरह से आप अपने मनपसंद वेजिटेबल जो भी आपके पास घर पर हो वेजिटेबल डालोगे तो इससे बच्चे भी खुश होके खाएंगे। इस तरह से आपके बच्चों के पेट में वेजिटेबल अच्छी तरह से जाएगा। वैसे तो बच्चे हमारे वेजिटेबल नहीं खाते, अगर इस तरह से आप बनाओगे तो आपके बच्चे वेजिटेबल अच्छी तरह से खाएंगे दोस्तों। लीजिए, अब डालेंगे इसमें प्याज। आप इसमें आलू भी डाल सकते हो दोस्तों, गाजर भी डाल सकते हो, जो वेजिटेबल आपके पास हो वही वेजिटेबल आप इसे यूज कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे गोभी। इसके बाद हम डालेंगे हरे मटर, इसके बाद डालेंगे हम टमाटर और हमारा हरी मिर्च, इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी अच्छी तरह से फ्राई हो गई, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसे। अब हम इसके मसाले डालेंगे। इसके लिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डालेंगे। अगर आपके बच्चे मिर्ची नहीं खाते तो इसे स्किप भी कर सकते हो दोस्तों। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 मैगी मसाला पैकेट डालेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए और हमारे बच्चे खुशी खुशी ये डिश खाए। अब इसमें मैगी डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से हिलाएंगे दोस्तों। लीजिए दोस्त, तैयार है। अपने घर पर जरूर बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए उनका मन पसंद डिश। और इस चैनल को देखते रहिए,
इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।